अस्सलाम वालेकुम, आई एम जाहिद फ्रॉम मेडिकल डॉट ई। हमने ये कल्टस 2006-07 मॉडल की मॉडिफिकेशन किया है, इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया है विद स्पीड सर्किट के साथ। ये आपको दिखाते हैं, इसका स्टीयरिंग कंगी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से इसका स्टीयरिंग दोनों हाथ से भी नहीं घुमाया जा रहा है। अभी आप देखें कि दोनों हाथों से भी इसका जोर लगा के नहीं घुमाया जा रहा स्टीयरिंग, ये देखें। और इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया है विद स्पीड सर्किट के साथ, और ये इसकी गाड़ी को हम, और अब ये देखिए आप, इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया विद स्पीड सर्किट के साथ। और स्पीड सर्किट की हम अपनी हर वीडियो में अवेयरनेस दे रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे स्टीयरिंग हार्ड होता जाता है, जैसे कि जैपनीज गाड़ी में आता है। और जब आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड पर जाती है तो आपको फील होता है कि आपकी गाड़ी रोड पर जम के चल रही है, ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी हवा में तैर रही है। और ये स्पीड सर्किट की बदौलत है। जो पावर स्टीयरिंग का काम करने वाले लोग हैं वो स्पीड सर्किट लगाने की बात तो बहुत दूर की है, वो कस्टमर को बताते भी नहीं है कि स्पीड सर्किट क्या होती है। स्पीड सर्किट क्या होती है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड को सेंस करते हुए स्पीड सर्किट आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को स्टेबल करके वो हार्ड करती जाएगी, जैसे कि जापानी गाड़ी में आता है। और जब आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड पर जाएगी तो आपको फील होगा कि आपकी गाड़ी रोड पर जम के चल रही है, ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी हवा में तैर के चल रही है। और ये स्पीड सर्किट की बदौलत होती है। इसे हम जो मोटर लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर मोटर, वो भी जापानी होती है हमारी, और जो स्पीड सर्किट है वो भी जापानी है। और हम ये रीकंडीशन गाड़ियों का सामान यूज़ करते हैं इसमें जो लगाते हैं। और आपने शायद ही कभी किसी से सुना होगा कि किसी के पास रीकंडीशन गाड़ी है तो उसकी पावर ब्रेक या पावर स्टीयरिंग ख़राब हुआ हो, ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी होती है, ख़राब नहीं होते, क्योंकि स्टीयरिंग का और ब्रेक का दोनों का ताल्लुक ज़िंदगी के साथ होता है और ये दोनों चीज़ें ख़राब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया विद स्पीड सर्किट के साथ। और अभी ये गाड़ी खड़ी है, अब आपको दिखाते हैं कि इसको हम एक उंगली साथ आप इसको दो तरफ घुमा सकते हैं। ये आप देखें, एक उंगली साथ आप इसको दो तरफ घुमा सकते हैं, ईजिली दोनों तरफ घुमा सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद स्पीड सर्किट के साथ। और इसकी हमारी एक साल की गारंटी होती है। और ये भाईजान आया हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक ठाक। भाईजान कहाँ से हैं आप गाड़ी को पावर स्टीयरिंग करवाने के लिए? मैं इकबाल टाउन से आया हूँ और मैं आपकी यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। जी जी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार मैं आपके पास आऊँ इसको पावर स्टीयरिंग करवाऊँ, और मैं आपके पास आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं अपने तमाम भाइयों से ये कहूँगा कि जो कल्टस जिन जिन के पास हैं वो इन भाई के पास ज़रूर आएँ, इनका काम ये बनना है, इन्होंने मुझे टेस्ट करवाया, काम से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो आप लोग भी इन भाई के पास आएँ और अपनी कल्टस को भी ये बन करवाएँ। मुझे बताया कि अभी आप थोड़ी सी ट्राई करके आए हैं, पहले सर आपको कैसा फील हो रहा है स्टीयरिंग? मतलब मैं अपनी गाड़ी में बैठ के मुझे फील नहीं हो रहा है मेरी गाड़ी। जजाक अल्लाह। इसके अलावा मैं वन एंड ड्राइव हो गई। चले जजाक अल्लाह। आप मेरे काम से सर्वस मुतमिन है जी? बिल्कुल। जजाक अल्लाह। एक आपने काम करना है कि इसको कुछ अर्सा, क्योंकि एक साल की तो हमारी खंडी है ना, इसको आपने कुछ अर्सा चलाने के बाद आपने मुझे बताना कि आपका ये कैसा चल रहा है, क्योंकि आपके जो बैकअप रिव्यूज होते हैं ना वो लोगों के लिए अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका, जजाक अल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोग हमारे पास आते हैं, बाईस रहमत होते हैं आप लोगों में, बहुत बहुत शुक्रिया। और मजीद मालूम बात करिए वेबसाइट करें zcar.pk, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करें zcar.pk। अल्लाह हाफिज़।